तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू डे आवर न्यू ब्लॉग। होप करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो रहा है 2:10 PM और मौसम वाव वाला मौसम हो रहा है, वाव। और भाई साहब, अभी नहा धो के मस्त खाना खा के आया हूँ, लेकिन मौसम ऐसा हो गया है कि दोबारा नहाने का मन करने लग गया है मेरा कि काश ज़बरदस्त बारिश हो जाए। और हवा तो चल रही है, बूंदाबांदी स्टार्ट भी हो गई है। हाँ, अगर ज़बरदस्त बारिश हुई ना तो मैं एक बार ना ही लूँगा भाई, रुकूँगा नहीं, क्योंकि ये मौसम अब आने वाला नहीं है, क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं और फिर बारिश में नहाने को नहीं मिलेगा। तो हालांकि ये मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है, और वाह क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अपनी यूनिवर्सिटी का तो मौसम ही बदल गया। तो चलो, के लिए एक खास चीज, आप जो वो तिरंगा देख रहे हैं, जितनी तेज हवा बह रही है उतनी तेजी के साथ हमारा तिरंगा लहर रहा है। जैसे ये सारे जो फ्लैग हैं, ये यूनिवर्सिटी के फ्लैग हैं, जिस तरीके से ये उड़ रहे हैं उसी तरीके से वो, कितना अमेजिंग लग रहा है। सबसे अलग, सबसे अनोखा, सबसे प्यारा हमारा तिरंगा, वाह क्या ब्यूटीफुल है। हालांकि ये भी इतने मेरे पीछे आप तो देख रहे हैं, इतने बढ़िया फ्लैग लगे हुए हैं रंग बिरंगे, ये भी देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं और यहाँ की जो खूबसूरती है वो बढ़ा रहे हैं। हाँ, अभी ये जो स्क्रीन लगी है ना सामने, इस स्क्रीन पे अभी डांस वगैरह चल रहा था, जो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम होते हैं, तो मैं अभी देख रहा था इसको, बहुत ही प्यारा लग रहा था। हालांकि अभी भी कुछ यूनिवर्सिटी का चल रहा है, और देख रहे हो ये है वहाँ का रेडियो 90.8। तो भाई बूंदाबांदी तो थोड़ी कम हो गई है, लेकिन बादल कड़कना स्टार्ट हो गए। मैंने कहा बूंदाबांदी कम हो गई, भाई साहब बहुत तेज हो गई, देख रहे हो, बाप रे बहुत तेज बारिश होने लग गई है भाई। भागना पड़ेगा, दौड़ लगानी पड़ेगी मेरे को, और देख रहे हो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बूंदों का साथ बरस है भाई साहब, पता नहीं पूरा टैप खोल दिया किसी ने। भागता हूँ बहुत तेज, और भाई साहब क्या बात है भाई साहब, बाप रे कितनी तेज बारिश होने लग गई, बहुत तेज, थोड़ा आधा भीग गया हूँ मैं, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन भागा फिर भी भीग गया। तो बस अम्मा बेटी, अम्मा बेटी ये देख चढ़ रहा, ये देखो ऊपर खड़े होके मेरे को डांट रही है, और मैं इन दोनों के साथ खेल रहा हूँ, मैं पूरा भीग गया हूँ पता है। हाँ, बहुत मज़ा आ रहा था, बारिश में नहा के आता हूँ, कोई बात नहीं। ये है हमारी बिल्डिंग, ये देखो ऊपर से नीचे तक कितनी ब्यूटीफुल है, और ये देखो दोनों मेरे से नीचे छेड़छाड़ कर रहे हैं। आफ्टर रेन, वाओ बारिश, बादल की गड़गड़ाहट देख रहे हो भाई साहब कितनी तेज है, और क्या प्यारा मौसम हो गया है। आगे भी ऑटो वाले भैया टक्कर मारते जाएंगे, तो ऑटो वाले भैया तो निकल गए। वाह गुड, मौसम एकदम अमेजिंग हो गया भाई साहब, ज़बरदस्त। सामने जेसीबी आ रही है, पर जेसीबी से अपना क्या लेना देना। इसी फील्ड में अपना प्रोग्राम हुआ था, और आज बारिश हो रही है, पूरा भीग चुका हूँ, निकल लेता हूँ, यहाँ थोड़े बहुत कपड़े बचे हैं इन्हीं के साथ चला जाता हूँ, तो थोड़ा बच जाऊँगा। वाइफ डांट तो पहले ही रही थी, और डांटेगी, हो सकता भाई एक आध भूसा पड़ भी जाए, तो चुपचाप निकल लेता हूँ यहाँ से, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि पूरा गीला हो चुका हूँ मैं। पाइप ने तो डांट दिया बहुत तेज, कपड़े भिगाए, बीमार पड़ोगे, ये करोगे वो करोगे, कच्चा देखा है, ये देखा वो देखा। अब जा रहे हैं मैम के पास, अब आ रही है मैम से डांट सुनने की। मैम ने कहा था मेरे को लैपटॉप सिखा देना रे, नहीं तो तेरी टांगें तोड़ दूँगी, थोड़ा सा कुछ एक्सल पे और बर्ड पे सिखाना है, जा रहा हूँ, डांट पड़ेगी। मैम को थोड़ा बेसिक जानना था, क्योंकि पहले मैम के पास डेस्कटॉप था HP का, लेकिन अभी मैम ने मैक प्रो ले लिया है, तो उसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी सब ठीक हो गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास फटाफट सीखी। लेकिन भाई साहब क्या नाराज़ हो गई थी मैम, बहुत ज़्यादा डांट भी पड़ गई थोड़ी, लेकिन बाद में जो है मैम ने अच्छे से एप्पल खिलाए, पियर्स खिलाई, उसके बाद प्यार मोहब्बत से भेज दिया, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थोड़ा टाइम लगा, 1.5 घंटा हो गया सिखाते हुए,
लेकिन भाई साहब बारिश होके और पानी सूख भी भाई के। लोग हम आ गए हैं रेडी होकर, अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:18 और हम जा रहे हैं फाइनली मेले में, और मेले में करेंगे भाई साहब मजे, झूला झूलने वाले हैं, अच्छा अच्छा खाने वाले हैं, चाट पकौड़ी वम 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 वम। और आगे गेट से करेंगे ऑटो, और ऑटो से हम लोग जाएंगे बेनिस मॉल है, और बेनिस मॉल के पास में है रामलीला ग्राउंड, वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगा है और बहुत मज़े करने वाले हैं, क्योंकि मेरी बात हुई थी सर से तो सर बोल रहे हैं बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त मेला लगा हुआ है, और आज मारा जाएगा रावण क्योंकि है दशहरा, तो देखते हैं कितना इंजॉयमेंट कर पाते हैं। तो गेट पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जो ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, हाँ हमें भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, खड़े हैं बुकिंग वाले, खड़े हैं साले बहुत हरामी हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं भाई साहब, ठगते हैं यहाँ पर। गाइज हेलो गुड मॉर्निंग, अभी टाइम हो रहा सुबह के 9:40 और मौसम वाओ कितना प्यारा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है, गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और कमरे में पंखा कूलर कुछ भी नहीं चल रहा है क्योंकि ऑलरेडी ऐसे ही रूम ठंडा है, और आज तो रात को मोटा वाला कमर भी ओढ़ना पड़ा, यानी कि अब धीरे धीरे सर्दी जो है वो बढ़ने लग गई है। हाँ रात में मेले में हमने बहुत सारे मज़े किए भाई साहब, इतना मज़ा आया बहुत, और रामलीला वाओ अमेजिंग रामलीला थी, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, छोटा सा फील्ड था, और मैं आपको बताऊँ ना फील्ड कच्चा था, उसमें जो है ना बड़े बड़े गड्ढे थे, बड़ी बड़ी घास थी, और जगह जगह पे ईंट वगैरह भी पड़ी हुई थी, तो भाई साहब कल बारिश हुई थी, तो बारिश होने की वजह से उस गड्ढों में पानी भर गया और इतनी फिसलन हो गई कि 2-3 बार गिरते हुए तो मैं ही बच गया, कई जगह पानी में पैर भी पड़ा और गड्ढे में भी घुस गया, तो कल ना पूरी हालत टाइट हो गई थी, लेकिन हमारे साथ अच्छा ये हुआ कि हमने बढ़िया से रामलीला को एंजॉय किया, बहुत सारी चीज़ें खाई, मस्त मस्त चीज़ें खाई, और उसके बाद रावण मारा गया और फिर एंजॉय करके हम लोग वापस आ गए। आते ही रात को कब सो गया पता भी नहीं लगा और सीधे सपनों में खो गया भाई साहब, रात का जितना भी सामान मैं लाया था खाने के लिए वो भी नहीं खाया, अभी सुबह उठ के मैंने फालूदा खाया, आइसक्रीम रखी हुई थी वो खाई, और गला भी ना जवाब दे गया, ख़राब हो गया, तो अभी सिरप भी पी के ही आ रहा हूँ मैं। तो वाइफ तो जो है नाश्ता बना के और नाश्ता करके ड्यूटी चली गई हैं, और आज हमें भी निकलना पड़ेगा अपने लंबे सफ़र पर, यानी कि नैनीताल, और अपना सफ़र रहेगा ट्रेन का, और मैं पहुंच जाऊंगा सुबह 5 बजे हल्द्वानी, उसके बाद मुझे पकड़नी पड़ेगी बस, हालांकि 5 बजे का सफ़र सही रहता है क्योंकि हल्द्वानी से नैनीताल को फर्स्ट बस जाती है 4 बजे, तो
तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। फ़ायदा क्या है, वहाँ हल्द्वानी बस स्टेशन में हमें वेट करना पड़े, मच्छर हैं, गर्मी है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इससे अच्छा है कि हम टाइम से यहाँ से निकलेंगे, टाइम से पहुँचेंगे और वहाँ से टाइम पर बस मिल जाएगी और टाइम पर हम नैनीताल पहुँच जाएंगे। हाय, शाम के 7 बज रहे हैं और अभी तक मैं तैयार नहीं हूँ। फिलहाल खाना बन चुका है और मेरा रेडी रहना बाकी है। यहाँ से टाइम से रेडी हो जाते हैं, टाइम से ऑटो पकड़ के सीधे जंक्शन और फिर नैनीताल और फिर वहाँ पर हिल्स वाली बढ़िया वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करते जाइए, साथ में एक छोटा सा कमेंट छोड़ते जाइए और हाँ, कुछ गुरु ज्ञान देना चाहते हैं तो वो भी पेलते जाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें। जय हिंद, जय भारत।